हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व की थी क्वेश्चंस को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस एब्जॉर्बिंग 70% ऑफ द लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग द रेस्ट। इफ द इंसिडेंट बीम कैरीज 10 वाट ऑफ पावर, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाई इट ऑन द सर्फेस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट है जो कि इंसिडेंट है नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस। नॉर्मली मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, राइट? तो हम लोग इस क्वेश्चन का चलो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कोई मिरर है और इस पे कोई लाइट नॉर्मली आ रही है, राइट? और ये मिरर जो है 70% ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो रिफ्लेक्ट कितनी करती होंगी? अप्रॉक्स 30% को, राइट? जो बचा 30% उसको रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, और रिफ्लेक्टेड लाइट कुछ ऐसे जाएगी, राइट? तो पूछ रहा है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय द लाइट ऑन द सरफेस, और ये जो लाइट है इसकी पावर दी गई है 10 वाट, मतलब ये लाइट की 10 जूल पर सेकेंड एनर्जी इस मिरर पर फॉल कर रही है, राइट? तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम ऑफ लाइट निकाल लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ लाइट विल बी इक्वल्स टू ई बाई सी। हम लोगों ने ये फॉर्मल पढ़ा है, वेयर ई इज़ द एनर्जी ऑफ द लाइट एंड सी इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट। सो ई विल बी इक्वल्स टू 10 जूल बाई 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, राइट? और दिस विल बी अलॉन्ग माइनस जे डायरेक्शन, क्योंकि ये निगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन में होगी। और अब हम लोग मोमेंटम फाइनल निकालते हैं, तो पी फाइनल विल बी इक्वल्स टू ई बाई सी, विच विल बी इक्वल्स टू 30% रिफ्लेक्ट हो रही है, तो 30% ऑफ 10 जूल बाई 3 × 10⁸ इंटू प्लस जे डायरेक्शन, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होने के कारण लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जा रही है, इसीलिए प्लस जे। तो दिस कैंसिल हम लोग कर लेते हैं, राइट? तो अब आ गया हम लोग के पास यहाँ से 1 बाई 1 × 10⁸ J kg मीटर पर सेकेंड। इसकी भी ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होगी, राइट? तो अब हम लोग इम्पल्स निकालेंगे। इम्पल्स वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, राइट? तो फाइनल मोमेंटम जो है वो 10⁻¹ अलोंग जे माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जो है 10 × 10⁸ by 3, राइट? अलोंग माइनस जे। सो दिस विल कम आउट 10⁻¹ J प्लस, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 10 × 10⁻¹ J, राइट? इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 10⁻¹ कॉमन ले लेंगे इंटू 10 बाई 3 अलोंग जे। ये होगी हमारी इम्पल्स, राइट? अब हम लोग इम्पल्स को हम लोग फोर्स इंटू टाइम भी लिखेंगे, और अगर इम्पल्स का यदि मॉडुलस ले लेते हैं तो इट विल बी 10⁻¹ × 3 + 10 बाई 3। और अगर हम मॉडुलस ले लिए मतलब मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, जे हम लोग हटा देंगे, तो दिस विल कम आउट फोर्स इंटू टाइम विल बी 1 सेकेंड, क्योंकि पावर जो है वो 10 जूल पर सेकेंड है, पर सेकेंड, टाइम विल बी 1 सेकेंड। तो देयर फोर फोर्स विल बी इक्वल्स टू 10⁻¹ इंटू 13/3, विच विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली 4.3 × 10⁻¹ N। सो दिस इज द आंसर ऑफ द 7th नंबर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द 8th नंबर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अ टोटली रिफ्लेक्टिंग स्मॉल प्लेन मिरर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली फेसेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एज शोन इन फिगर 42E1। ये फिगर है और इसमें एक प्लेन मिरर है, स्मॉल प्लेन मिरर, जो कि एक लाइट उस पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट उस पर पड़ रही है। द मास ऑफ द मिरर इज 20 ग्राम। इस मिरर की मास है 20 ग्राम, तो इस मिरर की मास हो गई 20 ग्राम। अप्रॉक्स केजी में लिखेंगे तो 20 बाई 1000 kg, राइट? और अगर इसकी वेट निकालें तो वेट विल बी इक्वल्स टू m × g। तो देयर फोर मास विल बी इक्वल्स टू 20, वेट विल बी इक्वल्स टू 20 बाई 1000 × g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड,
10, इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 0.2 न्यूटन, राइट। तो मतलब इस मिरर की वेट हो गई 0.2 न्यूटन। अज्यूम डैट देयर इज नो अब्जॉर्प्शन इन द लेंस एंड डैट 30% ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स गो थ्रू द लेंस। अज्यूम करना हम लोगों कि लेंस कोई लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, राइट, और 30% ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सोर्स गोज थ्रू द लेंस, और ये सोर्स एस है तो ये किसी भी डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगी, राइट, हर डायरेक्शन में ये लाइट को एमिट करेगी, और इस लाइट का सिर्फ ये 30% वाला ही हिस्सा इस लेंस से पास कर रहा है और लेंस में कोई लाइट का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ये हम लोग को अज्यूम करना है। फाइंड द पावर ऑफ द सोर्स नीडेड टू सपोर्ट द वेट ऑफ द मिरर। तो कह रहा है कि इस सोर्स का पावर बताइए, मतलब पावर, मतलब पावर विल बी इन सम वाट्स, विल बी इक्वल्स टू सम जूल पर सेकेंड। तो इस सोर्स की सम पावर बताइए कि वो कितनी लाइट को एक सेकेंड में, कितनी एनर्जी ऑफ लाइट को एक सेकेंड में भेज रही होगी ये सोर्स, ताकि ये वेट ऑफ मिरर को बैलेंस कर सके। तो यही ओवरऑल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो ये जो मिरर है उसको सपोर्ट करना है ऊपर, तो इस पे जो लाइट अपना फोर्स लगाएगी वो मिरर के वेट के बराबर होना चाहिए, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय लाइट इज इक्वल्स टू वेट ड्यू टू मिरर एंड वेट ड्यू टू मिरर विल बी इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन। मतलब जो फोर्स जो लाइट लगाएगी वो 0.2 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइट यहाँ पर आ रही है, जो 30% लाइट आ रही है यहाँ पर, उसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ लाइट, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू ई बाई सी, राइट, एनर्जी कैरिड बाय लाइट एंड सी विल बी द स्पीड ऑफ द लाइट। तो लेट एनर्जी कैरिड बाय लाइट विल बी ई, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी एनर्जी, कितनी जूल एनर्जी जो है वो लाइट एमिट करेगी, तो हम लोग उसको ई मान लेते हैं, राइट, बाय सी। एंड दिस पी इनिशियल विल इज अलॉन्ग प्लस वाई डायरेक्शन, मतलब जो इनिशियली मोमेंटम है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो हम लोग प्लस जे कर देते हैं, राइट। और मोमेंटम जो फाइनल है वो भी होगी ई बाई सी, क्योंकि टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और मिरर जो है कोई भी लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो जो मोमेंटम का जो वैल्यू होगा वो ई बाई सी ही होगा, लेकिन दिस टाइम द मोमेंटम विल बी अलोंग माइनस जे डायरेक्शन, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद निगेटिव एक्सिस में ट्रैवल करेगी, निगेटिव वाई एक्सिस में ट्रैवल करेगी, तो माइनस जे। तो इम्पल्स कैरिड बाई लाइट विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, राइट, विच विल बी इक्वल्स टू ई बाई सी अलोंग माइनस जे माइनस ई बाई सी अलोंग प्लस जे, राइट। अगर हम लोग इम्पल्स को हम लोग फोर्स इनटू टाइम भी लिखते हैं, और अगर उसकी मॉडुलस ले लेंगे तो हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो इट विल बी इक्वल्स टू टू ई बाई सी, राइट। और यहाँ पर जो टाइम है वो 1 सेकेंड होगा, क्योंकि जो लाइट जो सोर्स जो लाइट एमिट कर रही है वो उसकी एनर्जी जो है जूल पर सेकंड में है, मतलब जूल पर 1 सेकंड, तो टाइम होगी 1 सेकंड, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 2E बाई सी, और यही जो फोर्स है इस वेट के बराबर होनी चाहिए, तो 2E बाई सी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2E बाई सी विल बी इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन, राइट। तो देयरफॉर ई विल बी इक्वल्स टू 0.2 इंटू सी बाई 2, राइट। तो ई विल बी इक्वल्स टू 0.1 इंटू 3 इंटू 10^8, राइट। तो ई विल बी इक्वल्स टू 3 × 10^7 जूल। मतलब इस लाइट पर, सॉरी, इस मिरर पर 3 × 10^7 जूल ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट पड़नी चाहिए, तभी ये मिरर जो है वो सपोर्टेड रहेगा इन बिटवीन द एयर, मतलब कि वो हवा में टिका रहेगा ऊपर, राइट। तो अब जो ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये पर सेकेंड निकलेगी सोर्स से, मतलब पर सेकेंड ये इस मिरर से टकराएगी, लेकिन ये जो एनर्जी है वो 30% है इस टोटल सोर्स के द्वारा लाइट भेजी हुई। हमने पहले भी कहा था, क्वेश्चन में अज्यूम करने के लिए कहा है कि जो लेंस से जो लाइट पास हो रही है वो 30% ऑफ द सोर्स की ही लाइट पास हो रही है, मतलब 30% ऑफ एनी इनिशियल वैल्यू एक्स विल बी इक्वल्स टू 3 × 10^7
जूल पर सेकंड, मतलब ये जो एक्स है वो टोटल पावर रेडिएटेड बाय द सोर्स है राइट, और उसका ही और उसकी ही 30% जो है 3 × 10⁻⁷ जूल है। तो हम इस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ बाय 3 जूल पर सेकंड, मतलब 10⁸ जूल पर सेकंड राइट। और 10⁸ जूल पर सेकंड को हम लोग 10⁸ वॉट भी लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 × 10⁶ वॉट, और 10⁶ वॉट को हम लोग मेगा वॉट लिखते हैं, तो 100 मेगावाट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द 8th नंबर ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सिंपल कहने का मतलब यह था कि ये जो सोर्स थी लाइट की, अगर वो 100 मेगावाट ऑफ पावर अगर रेडिएट करती है तो उसकी 30% इस लेंस से पास करेगी, और जो लेंस से लाइट पास कर रही होगी वो उस जो लाइट जो लेंस से पास कर रही होगी वही लाइट इस मिरर के वेट को सपोर्ट करेगी। तो दिस इज़ द ओवरऑल क्वेश्चन एंड द आंसर हियर इज 100 मेगावाट राइट। सो अब हम लोग अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज 100 वॉट लाइट बल्ब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल चैम्बर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। अज्यूम डैट 60% ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू द बल्ब इज कन्वर्टेड इन टू लाइट एंड डैट द सर्फेस ऑफ द चैम्बर इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द लाइट ऑन द सर्फेस ऑफ द चैम्बर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल चैम्बर है, मतलब एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर हमने एक बल्ब रखा है, बल्ब का सिंबल ऐसे होता है, बल्ब रखा है जो कि लाइट को रेडिएट करती है राइट। और ये बल्ब का जो पावर है वो 100 वॉट है, मतलब वो 100 जूल पर सेकंड एमिट करती है, और बल्ब की जो एफिशिएंसी है वो 60% है राइट, मतलब 60% अगर हम उसे 100% एनर्जी देते हैं तो वो 60% ही एनर्जी वो लाइट को कन्वर्ट करती है, बाकी 40% जो है उसकी हीट में कन्वर्ट हो जाती होगी या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो सब चीज़ों में कन्वर्ट होती होगी। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ 60% पे ध्यान देना है राइट। और ये जो सरफेस है ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, मतलब अगर लाइट इससे जाके टकराई तो वो आप हल्की सी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द चैम्बर। तो हमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू F परपेंडिकुलर बाय एरिया, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई हो रही होगी बाय एरिया ऑफ द चैम्बर। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ द चैम्बर निकालेंगे, देन F परपेंडिकुलर, और उसके बाद हम लोग टोटल प्रेशर निकालेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, पहला एरिया निकालना, देन F परपेंडिकुलर, देन ओवरऑल प्रेशर राइट। तो हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ इस will be equals to 4πr² right, surface area of the sphere 4πr² होती है, तो 4π × r, r की value दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 का होल स्क्वायर राइट, तो 4π × 1/25 राइट, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने शॉर्टकट किया है 4π/25 मीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। नाउ हम लोग फोर्स निकालते हैं, फोर्स निकालने के लिए पहले हम लोग वही अप्रोच को ट्राई करेंगे जो पहले लाइट की मोमेंटम निकालेंगे, देन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उससे इम्पल्स आएगी और उस इम्पल्स से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे राइट। तो हम लोग पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू, तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू 60% ऑफ एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि बल्ब की एफिशिएंसी सिर्फ 60% ही थी, तो 60% ऑफ टोटल एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट, तो इट विल कम आउट 60% ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है बल्ब की पावर थी 100 वॉट राइट, मतलब वो 100 जूल पर सेकंड एमिट कर सकती थी, मतलब एक सेकेंड वो 100 जूल एमिट करती थी। तो हम लोग एक सेकंड के लिए ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक सेकंड के लिए 100 जूल, तो इनटू 100 जूल बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 × 10⁻⁸ kg/s राइट, इट विल कम आउट 2 × 10⁻⁷ kg/s। एंड हम लोग फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल मोमेंटम जीरो होगी, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि लाइट
जो है वो पूरी द्वारा पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो गई है स्फीयर के द्वारा, क्योंकि स्फीयर जो है परफेक्टली अब्जॉर्बिंग है, राइट। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था अज्यूम करने के लिए, तो फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो अब हम लोग इम्पल्स निकालते हैं, इम्पल्स विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, राइट। इट विल कम आउट जीरो माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन के जी मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम, टाइम विल बी वन सेकेंड, क्योंकि हमने वन सेकेंड के लिए एनर्जी ली थी, तो वन सेकेंड, तो वन विल बी इक्वल्स टू माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन के जी मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमें माइनस प्लस से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब डायरेक्शन दिखानी थी तो हम माइनस लिए, लेकिन अब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो बिना माइनस प्लस के टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फोर्स की ऐसा यूनिट के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन न्यूटन। तो हमें पर हम अब हमारे पास फोर्स भी आ गया है और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर भी आ गई है, राइट। तो हम लोग प्रेशर निकालते हैं, तो देयर फोर प्रेशर विल बी इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, तो देयर फोर फोर्स विल बी इक्वल्स टू टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन बाई एरिया फोर पाई इंटू ट्वेंटी फाइव। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन पास्कल, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग टेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ स्फीयर ऑफ रेडियस वन सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ लार्ज अपर्चर। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज 0.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द स्फीयर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द स्फीयर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, राइट, और उस पर कुछ पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट उस पर पड़ रही हैं जिनकी अपर्चर बहुत ही लार्ज है, मतलब ये जो एरिया है बहुत ही लार्ज है एज़ कम्पेयर टू स्फीयर, राइट। तो ये लाइट कुछ ऐसे ऐसे होकर के जाएंगी, राइट, और इस लाइट की इंटेंसिटी दी भी है 0.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हम अगर इस स्फीयर पे जरा सा ध्यान दें तो कोई भी स्फीयर है अगर उस पर हम एक लाइट को अगर ट्रांसमिट करते हैं तो जो एरिया उस लाइट की ब्लॉक होगी वो अप्रॉक्सीमेटली एक सर्कल की एरिया बराबर ही लाइट अप्रॉक्स होगी। अगर हम स्फीयर को बीच से कट करें तो उसके क्रॉस सेक्शन में हमें एक सर्कल मिलेगा और उस सर्कल की एरिया के बराबर ही लाइट जो है उस स्फीयर ब्लॉक करेगी। तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ दिस सर्कल हम लोग लेंगे, ठीक है। और अब दी हुई है कि ये जो स्फीयर है ये लाइट को कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब लाइट अगर इस पर पड़ेगी तो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो हमें इन सब कंडीशंस में फोर्स एग्जर्टेड बाय द लाइट ऑन द स्फीयर निकालना है, राइट। तो पहले हम लोग एरिया निकालते हैं, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो देयर फोर पाई इंटू वन सेंटीमीटर का होल स्क्वायर विच विल इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम लोग पावर एमिटेड ऑन द स्फीयर बाय द लाइट अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पावर एमिटेड ऑन द स्फीयर बाय द लाइट ये कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी 0.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एरिया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विच विल कम आउट 0.5 वाट, राइट। 0.5 इंटू पाई वाट, राइट, मतलब 0.5 इंटू पाई जूल पर सेकेंड, जो फोटॉन्स है इतनी एनर्जी की 0.5 पाई जूल एनर्जी की जो फोटॉन्स है वो इस स्फीयर पे एक सेकेंड में हिट कर रही होंगी, मतलब एक सेकेंड में 0.5 इंटू पाई जूल्स, सॉरी पेन, मतलब वन सेकेंड में 0.5 इंटू पाई जूल ऑफ फोटॉन्स जो है इस स्फीयर पर हिट कर रही होंगी। तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम पहले निकालते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ लाइट, दिस विल बी इक्वल्स टू ई बाई सी, और एनर्जी यहाँ पर 0.5 इंटू पाई जूल है, तो 0.5 इंटू पाई बाई थ्री इंटू टेन टू द पावर एट सॉरी के जी मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हम लोग
मोमेंटम फाइनल निकालते हैं, मोमेंटम फाइनल विल बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि लाइट जो है फाइनली इस स्फीयर पर अब्जॉर्ब हो जा रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं बढ़ रही हैं, इसीलिए फाइनल मोमेंटम ऑफ लाइट विल बी जीरो. तो देयरफॉर इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, राइट. सॉरी इंटेंसिटी नहीं, इम्पल्स, इम्पल्स विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डेट विल बी इक्वल्स टू जीरो माइनस 0.5 इंटू पाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के जी मीटर पर सेकेंड, राइट. और इम्पल्स जो होती है वो फोर्स इंटू टाइम होती है, राइट. और अगर हम इम्पल्स की मॉडुलस लेंगे तो फोर्स इंटू टाइम की मॉडुलस, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू पाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट. टाइम यहाँ पर हमारा 1 सेकेंड है, क्योंकि 1 सेकेंड की एनर्जी हमने इस कैलकुलेशन में ली है. तो देयरफॉर फोर्स की मॉडुलस इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू पाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8. तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू पाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन, जिसकी वैल्यू आएगी 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन, राइट. तो दिस इज द आंसर ऑफ द 10th नंबर क्वेश्चन.